गाइस अभी हम मैगी को लेकर आ गए हैं डॉक्टर साहब के पास। इसको ड्रिप देंगे हम, वो थोड़ा इसको ना स्ट्रेंथ देने के लिए यूट्रस को ना। एक्चुअली ये जो से ब्रेकियोस्फेलिस ब्लीड होती है ना, जो से गोल मुंह वाले होते हैं, इनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कई बार। क्या रिपोर्ट? नॉर्मल रिपोर्ट है इसकी। ओके सो गाइस, मैं आया हूं अभी रात को मैगी को मिलने। ओह शिट, ओह माय गॉड, एकदम अचानक से भैया का फोन आया जल्दी आओ, मुझे जाना पड़ा। और एक खुशखबरी आते मुझे खुशखबरी मिली। ओके सो गाइस, मैं था बाहर, एकदम अचानक से भैया का फ़ोन आया कि जल्दी आओ और मुझे जाना पड़ा। और एक खुशखबरी आते मुझे खुशखबरी मिली, तो अभी मैं अंदर बच्चे के पास से आया हूँ। सो मैगी मम्मा बन चुकी है, पहला बच्चा हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ इसका मैगी का पहला बच्चा। ये रही मैगी, मैगी एकदम एब्सोल्युटली फाइन है। और ये रहा छोटू सा बच्चा। ओए हाँ हाँ, ये देख लो कितना छोटा है, ये देखो बिल्कुल छोटा है। हाँ हाँ, ओए देख लो, ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। ओए ओ मैगी, हाँ जी मैगी ठीक हो? मैगी एकदम ठीक है बस, और ये भी ठीक है एकदम बच्चा। हाँ, इसने अभी बहुत सारी पोटी की थी तो वो भी से साफ करनी शुरू कर दिया हमने। तो मैं एक्चुअली बताऊँ, हमने कॉटन लेके रखी हुई है। अगर आपके कभी घर में कोई नॉर्मल डिलीवरी मिल गया, तो डॉक्टर सरदाना से भी मेरी भी बात हुई थी, तो ये कॉटन से हम बच्चों को साफ करते हैं जैसे बच्चा बाहर आता है। हाँ ओए मेरे बच्चा, हाँ हाँ। ओके तो गाइज, मैं अपनी ड्यूटी पर बैठ चुका हूँ। यहाँ पर हमारी मैगी है, मैं अभी अपनी फिलहाल अपनी मासी के घर ही हूँ और यहीं पर हम इसकी नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक बच्चे का और अभी टाइम आने वाला है। तो आप ये एक्टिविटीज़ देख सकते हो, बेसिकली ये एक्टिविटीज़ होती है फीमेल की, कुछ इस तरीके से। मैगी भी परेशान है और यहाँ पे बच्चा थोड़ा थोड़ा रोए जा रहा है। और मैंने ग्लव्स पहन लिए, आप भी ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फीमेल की डिलीवरी हो रही है, आपका डॉग है, तो आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें एंड कॉटन रखें साथ में, ठीक है। और अखबारों का जो मैंने आपको बताया था कल ब्लॉग में कि ये चीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर रखें। और बस आज जस्ट प्रे की अच्छे से हो जाए और हमारी मैगी को भी कुछ ना हो, बच्चे भी सारे ठीक हों। बस आप सभी भी यही प्रे करो। अभी तो एक बच्चा हुआ एनएचसी, कितने पपीज होते हैं और सभी का ध्यान रखना है। आई एम एक्साइटेड एंड एज वेल एज टेंस्ड कि बस सब कुछ ठीक हो जाए यार, एज अ यू नो डॉग पेरेंट ये चीज़ मन में रहती है। और व्लॉग करना, देखो लोग सही सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग करना मेरी इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी जो जो भी इस सिचुएशन से गुजरने वाले हैं, उन सभी को कुछ मैं सिखा सकूँ और आप फील कर सकें कि मेरे साथ क्या चल रहा है। ये रहा एक और पपी, अभी बस जस्ट 10-15 मिनट ही हुए थे पहले पपी को, उसके बाद अब सेकेंड पपी आ गया है। एंड मैगी बेचारी थोड़ी तंग हो रही है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड एज वेल एज सैड, ठीक है यार, मिक्स से इमोशंस हैं। ये दूसरा पपी भी आ गया है, दोनों भाई एक साथ बैठे हैं गाइस यहाँ पे। अभी मैंने मंगवाया है हनी, तो आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि हनी का क्या रोल होता है। हनी बेसिकली थोड़ा बच्चा जब पैदा होता है, इंसान के बच्चे को भी हम हनी चटाते हैं, तो वैसे डॉग्स के इन पपीज़ को भी मैंने अभी हनी दी है। तो इससे बेसिकली शरीर में जो है गर्मी बनी रहती है और साथ ही साथ जो है मतलब ठीक रहता है इनका बेसिकली। उस टाइम जब बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ा हीट भी रहती है। और अभी हम लगाने लगे हैं बल्ब, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अभी होल्डर यहाँ पे बल्ब लगा देंगे इधर, और बच्चों को बल्ब से थोड़ा सा गर्माई के लिए हम ये चीज़ एक थोड़ा सा जुगाड़ बना रहे हैं। हमने जुगाड़ बना दिया है ये ऐसे यहाँ पे लट्टू लगा के, और बच्चों को देखो यहाँ लट्टू हाँ यार बल्ब एक ही बात है, मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ। तो बल्ब लगा के यहाँ पर देखो, यहाँ पे इधर से इतना इतनी हाइट रखी हमने कि हीट पहुँचे, इसको ज़्यादा नीचे नहीं करना आपने, बस हीट एक फीट ऊपर है। हाँ नहीं नहीं, एक फीट से ज़्यादा है भैया, एक फीट इतना थोड़ी होगा, मतलब एक मेरा हाथ से, मतलब ये आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि क्या साइज़ बॉक्स का है। और इससे हीट पहुँच रही है नीचे उनके पास ना, तो ठंड है वैसे अब तो, ये पूरे टाइम में रखना पड़ेगा। और मैगी के लिए भी हम अलग से एक हीटर लगाएंगे, मैगी को भी मैंने कपड़े उतार दिए मैगी के, ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल रहे। तो अभी थर्ड पपी हो चुका है जो कि फीमेल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ थर्ड पपी। सो हियर शी इज, तो ये रही एक बहुत प्यारी सी फीमेल, इसकी जीभ बाहर निकली हुई है। हाँ अभी मैंने इसको शहद चटाया, तो ये इसको भी मैं अभी यहाँ पर रख रहा हूँ, ये थोड़ा सा गर्मी बाहर निकलते इसको हीट की जरूरत है। और मैगी भी एब्सोल्युटली फाइन है, मैगी अपना रेस्ट कर रही है। और अभी बस बेसिकली हम यही वेट कर रहे हैं कि
कि ऑलमोस्ट जैसे सभी पपीज होंगे उसके बाद फिर मैं, जैसे अगर डॉक्टर साहब कहेंगे आज आना है तो मैं आज नहीं तो कल फिर मैं डॉक्टर साहब के पास सारे पपीज को रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। एंड बस अभी देखते हैं कि सारी डिलीवरी जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, फिर आपको पता लग ही जाएगा कि ऑलमोस्ट कितने पपीज दिए हैं। थोड़ा सा मैगी को हम रेस्ट करा रहे हैं। हाँ जी मैगी को मैं ऐसे से कर रहा हूँ, मैगी को मजा आ रहा है। हाँ जी मजा आ रहा है मैगी, थोड़ा रिलैक्स हो रही है मैगी। इधर ऊपर देखो, निन्नी आ गई। मैगी वैसे भी कल वो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा थक गई है बेचारी। हाँ बेटा थक गया, रेस्ट कर रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा दूध देने लगे हैं गाइस, लेट्स सी अगर ये दूध पी लेती है तो, अगर ये दूध पी लेती है तो ठीक है, बेस्ट है। ओके गाइस, तो ये रहा फोर्थ पपी। तो ये भी ये बेसिकली ब्लैक कलर का है। इट्स अ लिटिल बिट स्ट्रेंज थिंग फॉर अस बिकॉज मदर एंड फादर बोथ आर ऑफ ब्राउन कलर, ये ब्लैक कलर का आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, कुदरत है। बाकी अभी मैं डॉक्टर साहब को बताऊंगा, मैं कहे ब्लैक कलर का आ गया और देखना कैसे चिल्ला रहा है। तो इसको भी मैं इसके बच्चों के पास रखता हूँ, पहले शहद चटा देते हैं। तो शहद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम शहद कैसे चटा रहे हैं। एक मिनट, सुनिए देखो, ऐसे शहद लगा दिया, जैसे बच्चे ने शहद लिया, उसके बाद इसको मैंने अंदर छोड़ दिया। ये के बाद इसको इसके भाई बहनों के पास छोड़ दिया। तो अब टोटल 4 पपीज हो चुके हैं गाइस। सो गाइस अभी फिलहाल ये रहे 4 बच्चे, चारों के चारों, और मैगी अभी थोड़ा स्लीप मोड पे है। मैगी के पास हमने दूध रख दिया, मुझे लगता है मैगी ने दूध नहीं पीना, तो मैं दूध हटा देता हूँ। मैगी मक्खियाँ बैठ रही हैं, ओए मक्खियाँ तंग कर रही हैं मेरे बच्चों को। ओ मैगी को अभी हम बाहर निकाल के लेकर आए सुसु पोटे के लिए। मैगी जाके कैडबरी की जगह बैठी, वो देखो उसको, हाँ कैडबरी देखने आया है। ओ नहीं नहीं ऐसे मत करो, कैडबरी को बांध दिया हमने ताकि वो मैगी को तंग ना करे। मैगी कैडबरी को देखो, ओए कैडबरी, हाँ। गाइस ये है इसका 5th बेबी, ये भी ब्लैक कलर का हुआ है। वाह, तो बेसिकली यार ये तो मतलब वी आर सरप्राइज अ लिटिल बिट नहीं अ लॉट। बाकी भी सरदाना डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसका क्या सील है। एंड पपी इज एब्सोल्युटली फाइन, मैं इसको रूई से अच्छे से साफ कर रहा हूँ पपी को। एंड आवर मैगी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। हाँ अभी इसको शहद चटा के फिर इसको अभी हम फिर से वापस छोड़ देंगे। ये लो शहद की बारी आ गई, शहद चटा दिया और इसको हम फिर से अपने भाई बहनों के इसके साथ छोड़ देंगे। सो अभी टोटल 5 पपीज हो चुके हैं और मैगी हमारी थोड़ी रेस्ट मोड पे है बच्चे, तो शायद ही मुझे लगता है एक आध पपी और दे, बाकी आई विल वेट, हम ध्यान रखेंगे। मैगी थोड़ी थक गई है मेरे बच्चों। सो यार बेसिकली देखो क्या होता है ना गाइस, माँ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का तो रखना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं ना, बच्चों जाते हैं फिर बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, माँ की तरफ नहीं देते। बट मेरे लिए मेरी मैगी पहले है, ठीक है, शी इज़ लाइक जस्ट लाइक माई डॉटर, कुछ भी कह सकते हैं। और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मैगी बच्चों का। एंड आई जस्ट नीड योर हेल्प ब्लेसिंग एंड मेन आपकी सपोर्ट चाहिए गाइस। बस आप प्यार देते रहो और मैगी के लिए दुआ करते रहो, वही बहुत है सबसे ज्यादा हमारे लिए। बाल बच्ची हो गए हैं तो भाई एक बच्चा और हो गया। एज एक्सपेक्टेड आई टोल्ड कि ऑलमोस्ट 5 से 6 बच्चे तो मुझे लग रहे थे एक्सपेक्टेंस के साथ, और ये भी ब्लैक हुआ है। वाओ एंड लेट्स सी, ओके अगेन अ मेल, तो देखो सारे और 1 फीमेल, सारे बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं गाइस। और चलो अब ये सारे बच्चों को मैं आप थोड़े टाइम के बाद दूध पिलाऊंगा, अब इसको शहद चटाते हैं ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इनको दूध पिलाएंगे। तो बस दूध पिला के फिर मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा गाइस, बाकी सारी एक्टिविटीज आप नेक्स्ट वीडियो में देख ही लेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, पपीज हो चुके हैं 8 तारीख को, अब वीडियो नहीं मुझे पता कि कब टाइम लगेगा, अभी बच्चों पे ही ध्यान रहेगा मेरा कुछ टाइम। हाँ गाइस अभी हम मैगी को दूध पिला रहे हैं, मैगी बच्चे दूध पी लो। तो
तो थोड़ा सा दूध को हमने गर्म और हल्का सा मिठा किया ताकि ये पी ले और थोड़ी सी इसमें एनर्जी आ जाए। और इसको कंबल दे दिया हमने, ऐसे बिठा दिया इसको इसकी जगह। ये इसका बेड है तो अब इस बेड को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे अभी बच्चों के दूध पिलाने के लिए। इसको चेंज करेंगे यहाँ पे, दूसरे कपड़ा लगाएंगे। पी लो बच्चे। हाँ ओके गाइस, सो अभी मैं आया हूँ थोड़ी देर के बाद वापस। ये सभी के सभी बच्चे यहाँ सोए पड़े हैं और वो रही हमारी मैगी। हेलो मैगी। प्यार कर रही है मैगी, देखो प्यार कर रही है मैगी। हेलो ठीक हो? चलो जी अब बारी है हमारी बच्चों को पहली फीड देने की, मतलब फीड देने की, दूध पिलाने की। ओके तो गाइस अगर बाय चांस बाप जब ये दूध नहीं पी पा रहा, मैं हल्का सा यहाँ पे शहद लगाऊंगा। ये शहद के चक्करों में दूध पीना शुरू कर दिया ना उसने। तो अभी बारी है थर्ड पपी की, जो कि ये छोटू सा ही है, सबसे पहले वाला। आपको पता है सबसे पहला बच्चा है ये पिंदू सा। ये भी बॉय है आरवी। इनमें चार लगे हुए हैं, ये दो बस, दो को दिक्कत है। ये छोटू वाला तो ये लग जाए तो बस सारा सीन बन जाए भाई, शोर फिर मचा लियो पीले। तो गाइज आपने देखा कि ये जो है बहुत ही एक टफ टास्क है। अब हमारा मेन टास्क है कि रात में इनको 2 से 3 बार फीड करना, और उसके बाद जो अगला टास्क है कि कल सुबह जो है इनको लेकर जाना डॉक्टर पे। एक बार कल मैं जाता हूँ कि इनको डॉक्टर से दानों को हम दिखाएं ताकि ये बच्चे हेल्दी है कि नहीं, डॉक्टर एक बार अपने देख लें। और बाकी तो फिर अब कल मिलते हैं।